सुप्रभात बच्चों, हमने अपनी पिछली संस्कृत की कक्षा में जाना था संज्ञा और पुल्लिंग शब्दों के बारे में, और आज हम जानेंगे कुछ अन्य पुल्लिंग शब्दों के बारे में। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे व्यवसाय जो कि पुल्लिंग अकारांश शब्दों के अंतर्गत आते हैं। नापितः नाई, लोहकारः लुहार, रजकः धोबी, लेखकः लेखक, अध्यापकः अध्यापक, मालाकारः माली, काष्ठिकः बढ़ई, कृषकः किसान, गायकः गायक, सैनिकः सैनिक, नायकः नायक या हीरो, चालकः चालक या ड्राइवर। बच्चों, अभी हमने जितने भी व्यवसायों के बारे में जाना है, ये सभी पुल्लिंग अकारांत के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं कुछ वस्तुओं के नाम। दूरभाषः टेलीफोन, दंडः डंडा, दंतलेपः मंजन, चमसः चम्मच, कीलः कील, श्यामपट्टः श्यामपट्ट, सयुतः बस्ता, दीपः दीपक। अब हम जानेंगे कुछ स्थलों के नाम जो कि पुल्लिंग अकारांश शब्दों के अंतर्गत आते हैं। आपणः दुकान, प्रासादः महल, देवालयः मंदिर, विद्यालयः स्कूल, चिकित्सालयः अस्पताल, कार्यालयः दफ्तर, गिरिजालयः चर्च, भोजनालयः भोजनालय। अब हम जानेंगे परिवार के कुछ लोगों के नाम जो कि पुल्लिंग अकारांश शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अग्रजः बड़ा भाई, अनुजः छोटा भाई, जनकः पिता, पुत्रः बेटा, मातुलः मामा, पितामह दादाजी, मातामह नाना और पितृव्यः चाचा। बच्चों, अभी हमने जितने भी शब्दों के बारे में पढ़ा, आपने देखा उन सभी शब्दों का अंतिम वर्ण अह आ रहा है, और हमने पूर्व में जाना था कि जो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं उनका अंतिम वर्ण अह होता है, इसलिए इन शब्दों को अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। बच्चों, अब आपको जो भी अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं उन्हें पहले आप स्वयं करें, इसके पश्चात मेरे द्वारा दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों की जांच करें और इन्हें याद करें। धन्यवाद।